दुनिया के हिसाब से दो तरह के रिव्यूज होते हैं, एक बैश करने वाले रियल रिव्यूज और दूसरे तारीफ करने वाले पेड रिव्यूज। आजकल भैया हम लोग टेंशन में रहने लग गए कि अगर बाई चांस गॉड फॉरबिड कोई पिक्चर या शो गलती से पसंद आ गई तो क्या मुंह दिखाएंगे ऑडियंस को, क्योंकि बिना गाली बके तो व्यूज ही नहीं आने वाले। अभी रिसेंटली मैंने एक शो देखा, मुझे बाई चांस अच्छा लगने लगा। मैंने कहा छोड़ो अब तो शो अच्छा है, क्या रिव्यू करूंगा, इसे व्यूज तो आएंगे ही नहीं। पर मैंने कहा छोड़ो, व्यूज वैसे कौन से आते जो इसमें ना आएंगे तो अफसोस हो जाएगा। तभी मैं लेकर आऊंगा शो का रिव्यू, बिकॉज आई एम देयर एंड यू आर वॉचिंग। बड़े बड़े शोज, बड़ी बड़ी स्टार कास्ट, सारा ध्यान ओटीटी पे तो यही लौंडे खींच के ले जाते हैं। और ये जो बेचारा शो आया है, अगर इस शो में भी एक दो बड़े नाम ना होते तो इनका भी सेम टू सेम वही हाल होता। एक तो वैसे भी इंसान जब बड़े शोज की बात करते हो या तो नेटफ्लिक्स, अमेज़न या बहुत से बहुत हॉटस्टार, Z5 पे कौन सा शो आता है भाई। खैर मैंने देखा Z5 का ताज, और मुझे क्यों अच्छा लगा शो मैं आपको बता दो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि द प्लॉट ऑफ द शो। मुगलों के जमाने का हिंदुस्तान है, बादशाह अकबर उम्र से तो बूढ़े हो गए लेकिन नाड़े से नहीं। उनकी अजीम सल्तनत का वही हाल हो गया जो इंदौर टेस्ट में पिच का हाल हो गया था। खैर उनकी 3-4 बीवियां हैं, 3 लौंडे हैं और एक कॉन्क्यूबाइन है अनारकली। कॉन्क्यूबाइन नहीं समझते, ये हाल हो आजकल के टाइम में रशियन। अब 3 लौंडे हैं, तीनों के अलग अलग क्वर्क्स हैं और बादशाह सलामत नेपोटिज्म पे कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ये क्या मतलब हुआ कि सबसे बड़ा ही राजा बनेगा, ना 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 सबसे योग्य राजा बनेगा। अब इन 3 लौंडों में बादशाह बनने की रेस चल रही है और इर्द गिर्द के सारे एलिमेंट, सारे सबप्लॉट्स कैसे उसके अंदर घुस रहे हैं इसके ऊपर शो है। ओवरऑल प्लॉट मुझे काफी अच्छा लगा। एनीवे आई एम अ सकर फॉर पीरियड ड्रामा, सो वो चीज तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जिस जिस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल नैरेटिव्स चल रहे हैं, एक लव एंगल भी है, एक लस्ट एंगल भी है, रिलीजन का एंगल भी है, मिलिट्री नैरेटिव्स चल रहे हैं, वो सारे के सारे नैरेटिव एक साथ मेल्टडाउन होकर काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट बना लेते हैं, विच इज अ बिग विन फॉर दिस शो। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द शो। I've always said this and for decades now, इंडिया में मुगले आजम के बाद जितने भी लोगों ने किसी एम्प्रेस या किसी किंग का कैरेक्टर प्ले करा है, उन्होंने कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली पृथ्वीराज कपूर की नकल करने की कोशिश करी है। एंड दैट्स द इंपैक्ट दैट मुगले आजम हैज हैड ऑन आवर साइकी इन इंडिया। कि अगर आप सड़क चलते भी किसी बेवड़े से पूछोगे सुनो अकबर बादशाह कैसे बोलते, तो यही बोलेगा कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी। But it had to take a genius like Nasiruddin Shah to actually break that mold. उन्होंने जिस तरीके से अकबर कैरेक्टर को देखा है, निभाया है, समझा है, that is absolutely fresh and refreshing. We don't need to talk about how good an actor Nasiruddin Shah is, and in my opinion, nobody else could have done Akbar the way he has done it over here. इसके अलावा शो के अंदर अदिति राव हैदरी भी हैं, who plays the character of Anarkali. मुझे एक समय में लगता था कि मधुबाला के बाद अगर कोई अनारकली बन सकती हैं, तो वो हैं माधुरी दीक्षित. लेकिन जिस भी भाई ने अदिति राव हैदरी के बारे में सोचा है, फुल नंबर भाई गजब. इसके अलावा शो में राहुल बोस भी हैं, who I felt was the only misfit in the entire cast. मतलब यार वो बंदा वहीं अच्छा लगता है, बढ़िया कि ये टेनिस खेल रहा है, जॉगर्स पार्क में जॉगिंग कर रहा है, लोगों को उनके विस्की वाइन के टेस्ट के लिए जज कर रहा है, ये कहाँ रेगिस्तान पहाड़ों जंगलों बियाबानों में जिहाद करवा रहे हैं उससे. आई डिड नॉट लाइक हिज परफॉर्मेंस सो मच एंड आई फेल्ट दैट इट लुक्ड लिटिल आउट ऑफ प्लेस. इसके अलावा एक परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थी दैट ऑफ दीपराज राणा. वो प्ले करते हैं महाराणा प्रताप का कैरेक्टर. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर महाराणा प्रताप को आप रिपीट करो तो आपको चाहिए भाई साहब एक बंदा जिसकी वो ऑरा हो. दीपराज राणा ने एग्जैक्टली वो करा एंड इज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब. इसके अलावा संध्या मृदुल है, जरीना वहाब एंड देयर इज आल्सो आशिम गुलाटी हु इज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब एज सलीम. पॉइंट नंबर 3, द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द शो. एक तरफ भैया सेल्फी जैसी फिल्में आ रही जहां प्रोडक्शन क्वालिटी के नाम पे सिर्फ अक्षय कुमार और इमरान हाशमी के मुंह पे मेकअप कर दिया गया, लेकिन यहां प्रोडक्शन क्वालिटी एक नंबर की A1 है भैया. क्या सेट है, क्या कॉस्ट्यूम्स हैं, क्या वॉर सीक्वेंसेस हैं, ऐसा लग रहा है आप एक बड़ा शो देख रहे हो. मुझे लगता है कि ये शो अगर थिएटर में रिलीज हो जाता तो शायद लोग फिर भी फिल्म देखने थिएटर पहुंच जाते हैं. और मेरे दिमाग में तो एक सवाल ये चल रहा है कि Z5 के पास इतने पैसे कमाए भाई, ऐसे ही कहां से कमाए तुमने भाई इतने पैसे के शो में इतने लगा दिए. बट ओवरऑल ग्रेट प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द शो. और ये चीज हमने अब OTT में देखी है, चाहे ताजा खबर हो, चाहे द नाइट मैनेजर हो, अलग अलग शोज में प्रोडक्शन क्वालिटी एक नॉच ऊपर जा रही है, विच इज मेकिंग द इंटायर एक्सपीरियंस इवन मोर बेटर. पॉइंट नंबर 4, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म. जहां शो में सारी चीजें इतनी अच्छी करी गई हैं, एक्टर बढ़िया है, परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, डायरेक्शन बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, वही मुझे लगता है कि म्यूजिक को
थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे. इवेंचुअली ऐसा लगा म्यूजिक ऐसी नहीं है दैट विल स्टे विद यू फॉर एवर. बहुत लंबे टाइम तक आप उस फैंटास्टिक म्यूजिक को नहीं देखते हो और वो मुझे लगा एक लिटिल बिट ऑफ अ लेट डाउन था. अदरवाइज मुझे शो काफी अच्छा लगा. पॉइंट नंबर 5 द सिनेमेटोग्राफी ऑफ द शो. मतलब मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि भाई साहब डायरेक्टर डीओपी एंड इवन द एडिटर ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड आई थिंक दैट हेल्प द शो क्वाइट अ लॉट. नॉट बिकॉज इंडियंस आर एनी लेस टैलेंटेड एब्सोल्युटली नॉट बट बिकॉज प्रॉब्ली दे केम विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस स्क्रिप्ट. हम लोग हिंदुस्तान में ऐसा लगता है अक्सर फॉर्मूला बनाने में लग जाते हैं और इसलिए भी हमारे शो इतने अच्छे नहीं निकल कर आ पाते. बट ताज एक एक्चुअली क्लटर ब्रेकिंग शो इन दैट सेंस बिकॉज इट लुक्स वेरी वेल, इट्स बीन शॉट वेरी वेल. मैं ओवरऑल शो को देना चाहता हूँ 4 stars out of 5. अगर आपके पास 7-8 घंटे फालतू के हैं तो बैठ के शो देख लें. बहुत ही फ्री फ्लोइंग पेसी शो तो नहीं है पर हाँ एक डिसेंट शो है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूं बार बार फालतू की. और